हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज की रेसिपी मैगी मसाला ओट्स नूडल्स की रेसिपी। आप इसे कभी भी बनाएं, बहुत ही आसानी से झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इस नूडल्स को यहां पर मैंने बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनाकर दिखाया है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए मसाला ओट्स नूडल्स रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेना है मैगी मसाला ओट्स नूडल्स का ये पैकेट है, ये 290 ग्राम का पैकेट है। इसका जो MRP प्राइस है वो 110 रुपये है। सबसे पहले इस पैकेट को कट कर लेंगे। इसके अंदर जो टेस्ट मेकर है इसे निकाल कर एक तरफ रख देंगे। इस पैकेट के अंदर 4 पैकेट नूडल्स के हैं, जिसमें कि मैं 2 पैक नूडल्स के बना रही हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 टेस्ट मेकर ले लेती हूँ। एक पैन लेंगे, इस पैन में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे मीडियम साइज का। प्याज को यहाँ पर अच्छे से चलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। प्याज 1 मिनट फ्राई हो चुकी, इसमें 2 चम्मच स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। आधा कटा हुआ शिमला मिर्च है बारीक टुकड़ों में कट किया हुआ। 2 चम्मच ये फ्रोजन मटर है, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। एक टमाटर ऐड करेंगे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ। आधी गाजर है, इसको भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब सारी सब्जियां डालकर इसको यहाँ पर अच्छे से चलाएंगे। गैस की फ्लेम को एकदम यहाँ लो कर देंगे। लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट यहाँ फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुका सब्जियों को फ्राई करते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर मैं 300 ml पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इसको भी अच्छे से चलाएंगे और यहाँ पर ढक्कन लगाकर इसे कवर कर देंगे। पानी में एक अच्छा सा उबाल आने तक इसे पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका, अब इसमें मसाला नूडल्स के 2 पैक ऐड कर देते हैं। अगर आप पूरे पैकेट के नूडल्स बना रहे हैं तो आप पूरे टेस्ट मेकर यानी कि 4 पैकेट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 पैकेट मसाला नूडल्स के ले रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। टेस्ट मेकर ऐड करके इसको यहाँ पर अच्छे से चला देते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड करें, वरना आप स्किप कर दें। अब यहाँ पर ढक्कन लगाकर इसे 1 मिनट पकाएंगे। 1 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। दोबारा नूडल्स को सारी सब्जियों में अच्छे से मिला देते हैं। अगर आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से मसाला नूडल्स बनाएंगे तो आपकी भी मसाला नूडल्स इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ढक्कन लगाकर कवर करेंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। अब नूडल्स को यहाँ पर दोबारा चला देते हैं। इसे यहाँ पर आधा मिनट और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस ये नूडल्स बनकर तैयार होती है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आधा मिनट हो चुका, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। मसाला नूडल्स को गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये लीजिए, टेस्टी मसाला नूडल्स बनकर तैयार है, वो भी बहुत ही कम टाइम पर। आपको हमारी ये मसाला नूडल्स की रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये मसाला नूडल्स की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।